गाइस वेलकम टू आरसी टेक हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के नए अपडेट के बारे में। तो जैसा कि देख पा रहे हो हमारे पास है आसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो का ये मॉडल और हमारे पास इस देखेंगे कि जो नया अपडेट सामने आया है इस अपडेट में आपको नया देखने को क्या क्या मिलता है। तो अधिक जानकारी दोस्तों वीडियोज को जरूर देखना है, वीडियोज में नया नोटिफिकेशन के जरिए हम सभी जानकारी को आपको शेयर करने वाले हैं कि क्या नया अपडेट में आपको देखने को मिला। फाइनली इसमें पाई अपडेट वो तो मिल गया था लेकिन अब इसमें क्या क्या नया देखने को मिला है इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना है यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 की, तो यहाँ पे एक नया अपडेट सामने निकल के आया है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जानेंगे जो हमारा पुराना अपडेट था उसमें क्या क्या फीचर्स था और कौन सा वो अपडेट था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको लेके चलेंगे यहाँ पे सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद अगर हम यहाँ पे सिस्टम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अवार्ड्स फ़ोन के आपको देखते हैं यहाँ पर हम, तो फाइनली आप देख पाओगे यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको शो करेगा। वहीं अगर नीचे बढ़ो तो आपको एंड्रॉयड वर्सन 9 यहाँ पर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर बात करें यहाँ सिक्योरिटी पैच 1 फरवरी 2019 का आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है। वहीं अगर कर्नल वर्सन की बात करें तो 4.4 कुछ इस प्रकार हैं जो आपको नज़र आ रहा है। ओके तो चलिए अब चलते जो नया अपडेट आया उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और किस तरह से अपडेट करना वो भी देख लेंगे। तो आपको आ जाना यहाँ पर, तो फाइनली अगर हम यहाँ नोटिफिकेशन में देखें तो आप नोटिफिकेशन में यहाँ देख सकते हो आसुस सॉफ्टवेयर अपडेट, और फाइनली यहाँ पे किस तरह की रीट वगैरह नहीं है आपको पहले मैं बता दूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो आसुस सॉफ्टवेयर अपडेट, और यहाँ पे जो डेट है जो नया अपडेट आया निकल के वो 4 जी हाँ यहाँ पर अप्रैल 21, 2019 का ये अपडेट आपको सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर 2 पॉइंट पर यहाँ अपडेट किया गया जिसे यहाँ पर फाइनली दिखा दिया गया, जैसा कि एंड्रॉयड पी अपग्रेड किया गया यहाँ पर, और यहाँ पे अपडेट सिक्योरिटी पैच भी आपको नया देखने को मिल जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए इस पर क्या करना है आपको इस चेक डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो चेक डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पूरा डिटेल्स शो कर देगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप न्यू सिस्टम अपडेट इज़ प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी, दिस वॉज नॉट क्लियर एनी ऑफ योर डेटास, डाउनलोड इट्स नाउ। ओके तो यहाँ पर जो अपडेट है आपको बता दूँ यहाँ पे 392.54 MB की ये अपडेट है जी हाँ, लगभग ये बोल सकते हो 400 MB की ये अपडेट है सामने जो निकल के आई है। और यहाँ पे जो 2 पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 पॉइंट पे इस अपडेट को दिया गया, जहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है एंड्रॉयड पी को अपग्रेड यहाँ किया गया है, और जो सेकंड है यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच को भी अपडेट कर दिया गया है। तो जैसा कि और देख सकते हो आपको क्या क्या प्रोसेस है, तो कैसे भी आपको डाउनलोड करना है वो यहाँ बताया गया है कि डाउनलोड मोबाइल नेटवर्क एक्स्ट्रा फी टू डाउनलोड अपग्रेड वाईफाई वगैरह, कैसे भी आप इसे डाउनलोड करके यहाँ पे इसे अपडेट कर सकते हो। ओके तो अपडेट करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक कर सकते हो, चाहो तो आप लेटर पे भी क्लिक कर सकते हो। तो चलिए हम फिलहाल यस पे यहाँ क्लिक करते हैं, और यस पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख पाओगे जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर इसके बाद आपको किस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमारी नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार करो, जहाँ मैं फाइनल आपको अपडेट करके दिखाने वाला हूँ किस तरह से टोटल अपडेट करना है। तो दोस्तों आज के वीडियोस को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जानना बहुत जरूरी था इसलिए मैंने इस वीडियोज़ को बना दिया, और यहाँ पर आप कर पाओगे अपडेट लेकिन नहीं होता तो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ का इंतजार करो जिसमें मैं टोटल अपडेट किस तरह से करना वो मैं बता दूँगा। फिलहाल दोस्तों बाय-बाय, हैव अ नाइस डे, टाटा। सब्सक्राइब कीजिए आरसी टेक हिंदी यूट्यूब चैनल को और घंटे को दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।